देखिए राजश्री, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन अब विधानसभा में जाने के लिए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्योंकि दूसरे दिन की कार्रवाई भी कहा जा रहा है कि हंगामेदार हो सकती है। अब इस बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से भी हम बात करते हैं कि आखिरकार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है और कितने तैयार हैं आज भी मंत्री। मंत्री जी, आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का, किस तरीके से क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है और प्रदेश हित के लिए जो कार्य हैं उस पर हम लगे हुए हैं, और जो सत्र चला हुआ है उसमें जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनका जवाब देंगे। एक एचआरडीएफ का मुद्दा भी पहले दिन हमने देखा कि कांग्रेस विधायक की तरफ से उठाया गया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में जो है फंड नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या? नहीं देखिए, अगर फंड दिया गया है, आप देखेंगे कि जो हमारा पीआरआई का पैसा था करीबन 1100 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में गया है, इस साल का भी 2700 करोड़ रुपए के आसपास सभी पंचायतों में, समितियों में और जिला परिषद में पैसा जाना है। और जो भी डिमांड्स एचआरडीएफ से, अभी तीन काम आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे शमशान घाट को 4 सुविधाओं के साथ दुरुस्त करना हो, सभी हरियाणा प्रदेश की फिरनियों को दुरुस्त करना हो, पार्क को व्यायामशाला बनाना हो, वो फंड भी अभी जारी हमने किया है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि नीचे थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो स्लो है, उसको भी गति देने की जरूरत है। पंचायत को लेकर आगे क्या कुछ नई योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में? देखिएगा, हमने आपने पिछले दिनों देखा होगा कि काफी कुछ बदलाव, मैं कह सकता हूँ कि हमने एक व्यवस्था परिवर्तन इसको कह सकते हैं हमने किया है। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता था वो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर खुर्दबुर्द होता था, उसके लिए बहुत से चेंजेस हमने किए। ई टेंडरिंग प्रोसेस में हम डिपार्टमेंट में जो भी काम होंगे टेंडरिंग प्रणाली से होंगे, उसमें पारदर्शिता आएगी, समय उसमें तय होगा, और उसके साथ साथ गली नाली और चौपाल से आगे बढ़ाया हमने गाँव को। उसके अंदर ई लाइब्रेरी आप देखेंगे बढ़ने जा रही हैं, बिल्डिंगें तैयार होगी अभी जो उसमें, उसको सेटअप के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में है, टेंडर उसका लग के है, और वो भी जल्दी उनको तैयार करके प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। आपका क्या बोलते हैं, जिम हम बना के देने जा रहे हैं, महिला संस्कृति भवन बना के देने जा रहे हैं, पार्क का व्यायामशाला बना के दे रहे हैं, गरे वेस्ट मैनेजमेंट में के माध्यम से, पोंड अथॉरिटी के माध्यम से हम इरिगेशन के साथ इनको जोड़ों को ठीक करके देने जा रहे हैं, फिरनियाँ बना के देने जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं जब इन 10 सूत्रीय कार्यक्रम जिसका हम चर्चा करते हैं जब ये गाँव में उतरेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि गाँव का 100% तो शहरीकरण नहीं कहूँगा, लेकिन जो शहरीकरण की बातें होती थी उसकी तरफ एक कदम हमारे सरकार का है। तो लगता है कि अब ग्रामीण इलाकों को भी अब शहरीकरण बनाने की तैयारी हो रही है आपके? बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता तैयारी है, और ये वो तैयारी सिर्फ भाषणों में नहीं है, उसको हम फाइलों पर लेकर आए हैं और उसको ग्राउंड पर ले जाने की हमारी तैयारी है। और बहुत जल्दी आपको ये विकास हरियाणा प्रदेश के हर गांव में, की गलियों में दिखेगा और हर गांव में दिखेगा। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि गांवों में काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे बिजली व्यवस्था हो। हमने विधानसभा में भी देखा लगातार विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, विपक्ष का काम है और एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक बार सिर्फ जो यहाँ पर एक फोटो सेशन की राजनीति ना हो, मोस्टली वहाँ बैठ के महसूस भी हम करते हैं कई बार कि मुद्दे होते हैं, समस्याएं भी होती हैं, और कहीं ना कहीं अब विपक्ष शाबाशी तो सरकार को देगा नहीं भी, ये काम सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी ड्यूटी है जो हमारी जनता ने हमें चुनकर भेजा है बड़े विश्वास के साथ, और आज हम हरियाणा प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, तो जो हमने एक सोच बनाई है कि हमारे आखिरी छोर पर बैठे परिवार तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और उसके रिजल्ट आपको मंत्री बहुत जी, जल्दी नजर लगातार आएंगे। पोर्टल हम देख रहे हैं कि काफी अहम मुद्दा बना हुआ है। विधानसभा में भी लगातार पोर्टल की सरकार चल रही है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है। परिवार पहचान पत्र की बात हो, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आने के बाद परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस पोर्टल प्रणाली को? देखिए, आज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमारे हरियाणा प्रदेश को मिले, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को मिले, उसके लिए जितने पोर्टल में आप देखिए कि पहले बिचौलियों को खत्म किया गया है, एक फौज थी बिचौलियों की पूरे हरियाणा प्रदेश में। आप पहले की सरकारों में देख लीजिए, कोई भी आम नागरिक डायरेक्ट सरकार से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता था, आज आम नागरिक सीधा सरकार से जुड़ा है अपनी मांगे। अब अगर मैं मेरे ही ग्राम दर्शन पोर्टल की बात करूं, मेरे डिपार्टमेंट में विभाग की, तो उसमें देखिए अपनी मांग भी है, उनमें सुझाव भी हैं, शिकायतें भी हैं। उसके साथ साथ जैसे अभी क्षतिपूर्ति पोर्टल है, पहले मैनुअली होता था, अंदा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे,
पहले वो राजनीतिक द्वेष भावना से जिसका नुकसान होता था उसको छोड़ दिया जाता था और अपने वोटरों को उसमें मनचाहों को अपने कुछ लोगों को उसमें फायदे दिए जाते थे। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं पारदर्शिता के लिए आज जो पोर्टल से हम काम करें, मैं मानता हूं उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकली टेक्नोलॉजी में कई बार कोई अड़चने या कुछ त्रुटियां कह सकते हैं वो रही होंगी, उनको बार बार इम्प्रूव किया जाता है। और परिवार पहचान पत्र में हमने बार बार गांव वाइज अभी भी पूरे प्रदेश में भी और हमारी कंस्टिट्यूंसी टूर्ण में हमने आदेश दे रखे कि आप गांव वाँव में जाइए और जो एलिजिबल परिवार है, किसी कारणवश कोई पेपर अगर उसका सबमिट नहीं हुआ है, किसी गलती की वजह से उसका रह गया, तो एक एक घर तक परिवार पहचान पत्र इनकम को लेकर कोई समस्या है उनको दूर करने का काम करेंगे। और जब परिवार पहचान पत्र प्रॉपर दुरुस्त होने के बाद 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को आप देखेंगे, चाहे परिवार बीपीएल कार्ड की बात हो, चाहे आपके हमारा चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात हो और अन्य और बहुत सी सुविधाएं, जैसे मकानों का रिपेयर का पैसा है या मकान बनाने का पैसा है और बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो सरकार हमारे जो आखिरी छोर पर बैठे हुए जिनकी इनकम कम है उनको मजबूत करने के लिए जो सुविधाएं सरकार की तरफ से जाती है उस पर हम काम कर रहे हैं। एक भ्रष्ट विधायकों का भी आज चयन हो रहा है, अभी विधानसभा में इस समय चल रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, स्पीकर भी हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अच्छी अच्छी परंपरा की शुरुआत की है, उसमें एक जो बेस्ट विधायक है एक हेल्दी कंपटीशन में कहूंगा और जो बेस्ट विधायक होंगे उनको एडवांस में बधाई दूंगा। तो लगता है कि काम करने का और अच्छा मौका मिलता है इस तरह का जब? बिल्कुल, हेल्दी कंपटीशन हमेशा एक मजबूत प्रतिस्पर्धा हो उसमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो आज विपक्ष का सवालों का जवाब देने के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? पूरे तैयार हैं। देखिए, आपने सुना राजश्री, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, दूसरा दिन आज विधानसभा का है और दूसरे दिन विधानसभा के लिए अब मंत्री जी यहाँ से जा रहे हैं और जरूर हंगामा रहने के आसार कहे जा सकते हैं, क्योंकि पहले दिन हमने देखा कि लगातार पहले दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही, कांग्रेस जो है लगातार हंगामा करती हुई नजर आई और आज दूसरे दिन भी जरूर विधानसभा में हंगामा रहने के आसार है और लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो